गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं कोची के आसपास कुछ कुछ जगह हैं। वो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम एलएपी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया था और एलएपी के बाद हम लोग कोची निकलने वाले थे। तो अभी मैं एक छोटे से गांव में हूँ, इस जगह का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं फ़ोन पर देख कर बता रही हूँ। तो जगह का नाम है इज़्ज़त मुगम। ये बेसिकली चालुकड़ी रिवर है, उस पर बना हुआ है, एक टूरिस्ट विलेज है। तो मुझे यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा तो मुझे लोकल आई से दिख रहे हैं। यहाँ पर एक वाटर पार्क भी बना हुआ है, तो डैम है, डैम के ऊपर एक सस्पेंडेड ब्रिज है। और जितनी मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा लोग मुझे मिले नहीं जो इंग्लिश या हिंदी मुझे समझा सकें। तो ये ब्रिज है, ब्रिज बिल्कुल वाटर बॉडी के ऊपर बना हुआ है, रिवर के ऊपर। और आई एम श्योर जब बारिश तेज़ होती होगी या मानसून के सीज़न में ये पूरा ओवरफ्लो करता होगा तो बहुत ही सही लगता होगा। तो यहाँ पर खड़े होकर अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं ये जगह को, और इसके बाद हम निकलेंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के लिए। हम बेसिकली वही वाटरफॉल देखने जा रहे थे, तो जंगल के रास्ते में हमें ये छोटी सी जगह दिखी तो हम लोग रुक गए इसको देखने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। पीछे देख सकते हो मैसिव वाटरफॉल है, केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिवर देखी थी ना चालाकुडी, ये वही रिवर है। वो रिवर मतलब नीचे फॉल हो रही है तो इसीलिए अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। मतलब काफ़ी थोड़ा टायरिंग है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। संडे आफ्टरनून मे नॉट बी द राइट डे टू कम बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट वैसे वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है, मतलब मैसिव वाटरफॉल है। तो जा रहे हैं आगे वाटरफॉल एक्सप्लोर करने और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स को बाहुबली वाटरफॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। मॉनसून के समय में ये वाटरफॉल और भी अधिक पानी से भरा होता है जो इसे और भी मनोहर बनाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग अभी आइसक्रीम खा रहे हैं नीचे से वापस आके। मतलब बठारा खराब हो गया, सही ना, फोरहेड भी काला हो गया पूरा, अंकुर का भी फोरहेड काला हो गया है। बट बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज संडे है ना, मतलब मैसिव मैसिव भीड़ है। निकल रहे हैं वापस ऊपर पार्किंग तक आइसक्रीम ख़त्म करके। अभी हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है अंदर, तो हमने ये कोल्ड ड्रिंक ली थी, कोल्ड ड्रिंक में एक पिंक कलर का स्टिकर लगाया था। तो अगर हम ये बॉटल रास्ते में नहीं फेंक कर लाते हैं और गेट तक वापस लेकर आते हैं तो हमें 10 रुपीज़ का रिफंड मिलता है। तो उन्होंने मेरी बॉटल पे स्टिकर देखा और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बकायदा 10 रुपये वापस दिए हैं। मतलब इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती है, ये चीज़ ना हमें काफ़ी जगह और भी करना चाहिए जिससे लोग ना प्लास्टिक की बॉटल्स इधर उधर ना फेंकें, स्पेशली नेचर, ये जो नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं उसके अंदर। तो चल रहे हैं नीचे अपनी गाड़ी तक। Thank you.
गुड इवनिंग फ्रॉम कोची। तो अथिरापल्ली से हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल जिसका नाम है कोरल आइल या कोरल रीफ। ये एर्नाकुलम में है। कोची भी 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। तो एर्नाकुलम एयरपोर्ट से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने वहाँ पे चेक इन कर लिया था। इस में हमने जो रूम लिया है उसका हमने पे करा है 3500 रुपीज़ पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग आए हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। आप पीछे देख सकते हो पूरा चर्च बिल्कुल बढ़िया सजा हुआ है। पीछे गाने वाने की आवाज़ें भी आ रही हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हैं हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट होते हुए। कोची में जैसे आपको मालूम है काफ़ी क्रिश्चियंस रहते हैं तो यहाँ पे यू नो क्रिसमस काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। तो पीछे देखो क्या बढ़िया लग रहा है। तो बस थोड़ी सी आपको वीडियोज़ वगैरह दिखाती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ कैसे सजा हुआ है। फिर यहाँ से निकलेंगे वापस। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट डे है। अब हम लोग निकल रहे हैं कोची से दिल्ली के लिए। हमारी जो रेंटल कार है उसको हम एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप करेंगे। सो इंडस गो जिसके थ्रू हमने कार ली थी उनका ड्राइवर आएगा और वहीं से वो कार ले जाएगा। 5000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आई एम होपिंग वो 1 से 2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि कार में ऐसा कोई हमने डैमेज नहीं किया है। और कोची में वैसे और भी काफ़ी जगह हैं अगर आपके पास समय हो। हमारे पास तो एक ही दिन था, नॉट इवन वन, हाफ अ डे था। यहाँ पर चर्च काफ़ी सुंदर हैं। यहाँ पर जो वेम्बेनाड लेक एलपी से आता है वो यहीं पर आकर सी में मिल जाता है। तो उसके आसपास जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं आप वो देख सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हैं जो एमजी रोड वाला एरिया है जहाँ पे हम रुके हुए हैं अभी एर्नाकुलम। तो उसके आसपास यू नो काफ़ी ईटरीज़ हैं, फूड जॉइंट्स हैं, शॉप्स हैं, सिल्क वगैरह की साड़ीज़ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 10 डेज़ थे तो 10 दिन कहाँ गए पता ही नहीं चला। तो अगर आपको भी कोई डिटेल्स चाहिए कि हम लोगों ने अपनी आइटनरी कैसे प्लान करी, कौन कौन से होटल्स बुक करे, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको सारी की सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए फील फ्री टू ड्रॉप अ कॉमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हुए।